और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट कंगना रनौत पहुंच चुकी है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में चंडीगढ़ पहुंची कंगना रनौत। और ये तस्वीरें देखिए, हिंदुस्तान पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रमुखता से खबर पर बने हुए हैं। किस तरह से कंगना रनौत को देखिए, सुरक्षा के कड़े घेरे में चंडीगढ़ पहुंची है। और कंगना रनौत ने ट्विटर पर खुली चुनौती दी थी कि मैं आ रही हूं मुंबई, जिसको जो करना है कर लो। तो जिस तरह से कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो रही है, इस पे देखना होगा कि जब मुंबई कंगना पहुंचेंगी तो वहां पर किस तरह से उनका स्वागत होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुक करना चाहूंगी मेरी सहयोगी नितिका। नितिका, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आप फिलहाल हैं, क्या तस्वीरें आ रही हैं वहां से, क्या अपडेट? जब को मलिका आपको बता दें कि यहाँ तक सुरक्षित तरीके से जो है कंगना पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट के अंदर एंट्री भी उनकी हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पे भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। हालांकि आप देखेंगे मेरे पीछे जो है डिपार्चर गेट है, लेकिन यहाँ से नहीं बल्कि नीचे जो स्पेशल गेट है वहां से उनकी एंट्री करवाई गई है। और सुरक्षा का कह सकते हैं कि एक घेरा उनके आसपास था, क्योंकि जवान जो है तैनात किए गए थे यहाँ पर भी, ताकि कंगना को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे आपको बता दें कि फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी और 12:20 पर उनकी यहां से मुंबई के लिए फ्लाइट है। उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी नजर आई। आपको बता दें कि उनकी तरफ से पहले ही COVID-19 के टेस्ट कराए गए थे, वो नेगेटिव आए थे। उसके बाद ही जो है ये सफर शुरू होना था और ये सफर शुरू हो चुका है। देखिए, यहां तक का सफर तो सुरक्षित पहले ही माना जा रहा था, लेकिन आगे का सफर कैसा रहेगा? यहां से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कंगना अंदर गई हैं, लेकिन मुंबई में किस तरह से उनका स्वागत होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें कि कंगना सुबह से काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, एक के बाद एक ट्वीट जो है वो कर रही है। सुबह 7 के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने खुद को कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी, ना रुकूंगी, ना झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। उसके बाद भी उन्होंने कई और ट्वीट किए हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हिमाचल कब छोड़ा उन्होंने और कैसे मुंबा देवी जब वो गई और कैसे वहां पर ही वो बस गई। तो कह सकते हैं यहां तक का सफर तो अच्छा रहा, सुरक्षित तरीके से यहां पर कंगना रनौत पहुंच गई है, लेकिन आगे का सफर कैसा रहेगा, यानी कि मुंबई में उतरने के बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, वो देखनी काफी ज्यादा अहम रहेंगी। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा नितिका कि बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पर कंगना रनौत नजर आ रही हैं। और जिस तरह से वो सुबह से ट्वीट्स भी कर रही हैं, उससे लग रहा है कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं है। और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सुरक्षा का बड़ा घेरा है। क्या उनके परिवार से किसी और ने भी उनको यहाँ तक एयरपोर्ट तक उनका साथ दिया, कोई एस्कॉर्ट करने उन्हें आया, या सिर्फ रंगोली ही उनके साथ थी? देखिए, आपको बता दें कि उनके साथ रंगोली ही नजर आए, उनके साथ और कोई भी परिवार का सदस्य यहाँ पर नहीं पहुंचा। हालांकि वाई सिक्योरिटी में ही कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने ये बात पहले भी कही थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का कहीं ना कहीं डर सता रहा है। लेकिन हालांकि उन्होंने फिर भी चुनौती जो है दी थी, संजय राउत जो सांसद हैं शिवसेना के, उनको चुनौती दी थी उन्होंने और कहा था कि नौ। जी नितिका, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, कंगना के घर पर बीएमसी का नया नोटिस लग गया है। कंगना रनौत के दफ्तर बीएमसी की टीम पहुंची है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब मैं अपने सहयोगी लक्ष्मी का रुख करूंगी। लक्ष्मी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है। लक्ष्मी, इस नए नोटिस में क्या कुछ है? भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और बीएमसी की टीम वहां पहुंच चुकी है। तो एक तरफ एक तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत पहुंची और दूसरी तरफ मुंबई में जी तस्वीर है। जी बिल्कुल जी लक्ष्मी जी, तो आपने देखा हमारी सहयोगी लक्ष्मी इस वक्त कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां से वो ताजा तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ताजा जानकारी वो बता रही हैं। और तस्वीरों में आप जैसे देख सकते हैं भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। लक्ष्मी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तस्वीरें देखिए,
जी लक्ष्मी, तमाम चीजें बैरिकेड्स लगा दी गई हैं और बहुत है, लेकिन ताला खुलने वाला है, ताला खुलने वाला है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, ताला तोड़ने की कोशिश हो रही है। सबसे देखिए देखिए देखिए, सबसे सबसे बड़ा मूवमेंट है मलिका, इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगी। बहुत ज्यादा यहाँ पर मुश्किल भी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान पर सबसे पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश है। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब ताला तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश, और उसके बाद इस पूरे बिल्डिंग को दिखाइएगा। मैं कहूंगी प्रमोद मेरे साथ कैमरा पर्सन से जरा दिखाइएगा, यही वो बिल्डिंग है सर, प्लीज साइड, प्लीज सर, दो मिनट सर, प्लीज। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ मलिका, यही वो दफ्तर है सर। सर ओली 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 ओली, देखिए घर को खोल दिया गया, दिखाइए तस्वीरें प्रमोद, घर को। जी लक्ष्मी, तो बीएमसी की टीम जो है वो अंदर पहुंच चुकी है, दाखिल हो गई है। सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले मैं आपको दे रही हूँ मलिका जी, हिंदुस्तान पर तस्वीरें आप देखिएगा, ये बीएमसी की टीम ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गई है, और ये माना जा रहा है कि अब प्रक्रिया ग्राउंड फ्लोर से ही शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, ये तस्वीरें देखिए, मैं कहूंगी प्रमोद जरा इन तस्वीरों को अंदर से दिखाइएगा, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस की बहुत ज्यादा भीड़ है, मीडिया को भी कोशिश की जा रही है कवरेज से रोकने के लिए, लेकिन तो टीम है बीएमसी की, ये पहुंच चुकी है उनके घर के अंदर, दाखिल हो गई है, जो ताला था उसको तोड़ दिया गया है, अंदर में हथियार जो 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 भी इक्विपमेंट जिनको इस्तेमाल होना है तोड़ने के लिए, उन इक्विपमेंट के साथ पहुंची है वहां पर बीएमसी। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम कह रहे थे कि बहुत मिनट, देखिए बिल्डोजर आ चुका है, दिखाइए दिखाइएगा जरा प्रमोद, दिखाइए, ये देखिए ये वो बिल्डोजर है, ये पहुंच चुकी है जेसीबी की मशीन, जिससे इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कोशिश होगी। बहुत बड़ी खबर है मलिका, बहुत बड़ी, देखते ही देखते हम सुबह 6 बजे से अपडेट दे रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा था कि 10 बजे का इंतजार कर। जी जी बिल्कुल लक्ष्मी, आप दर्शकों को जरा विजुअल्स दिखाइए कि किस तरह से वहां पर, दर्शकों को दिखाइए कि टीम बीएमसी की पहुंच गई है कंगना के दफ्तर और कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, यही वो जेसीबी मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा मलिका, तस्वीर देखिए आप जी, हम यही वो जेसीबी मशीन है जिसके जरिए उनके घर को तोड़ने की कोशिश की जाएगी और उसको ढहाया जाएगा मिनटों में इसी से। ये देखिए, हालांकि कंगना पहले कह चुकी है कि आप घर ढहा सकते हैं, दफ्तर ढहा सकते हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं, लेकिन वो वक्त आ गया है जो कंगना ने कहा था कि लगता है कि सपना चूर चूर होने वाला है। सर प्लीज 2 मिनट, ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कहूंगी कि एक मोमेंट अगर यहाँ का हम दिखा रहे हैं प्रमोद, जरा घर का भी दिखाइए, कैसे हथौड़े के साथ बीएमसी के कर्मचारी वहां पहुंच रहे हैं। ज्यादा अपडेट में बाद में दूंगी, लेकिन इस वक्त तस्वीरें मलिका बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, तस्वीरों को देखिए आप, ये तस्वीरों को देखिए आप प्लीज, ये तस्वीरों को देखिए, पूरी टीम है, सुरक्षा घेरा पुलिस की तरफ से कर लिया गया है, और ये माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि बीएमसी का जो पूरा दस्ता है जिसको ये तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ तक कि उनके सामान को निकालने तक की उनको परमिशन और उनको वक्त नहीं दिया गया है, बहुत जरूरी है। ये तस्वीर है प्रमोद, बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, इधर से आइएगा प्लीज, इधर से आइएगा, ये देखिए विजुअल, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी मैं जरा, प्लीज वन साइड, ये देखिए, ये वो है, ये है जिसमें पूरी टीम बीएमसी की, सर प्लीज 2 मिनट दीजिएगा, ये पूरी टीम, आई नो दैट, प्लीज विजुअल दिखाना जरूरी है। ये देखिए, यही वो घर है, गेट खुला हुआ है, जहां से बीएमसी की टीम जो है, तमाम ऐसे जो उनके हाथ में इक्विपमेंट जिनको तोड़ने की शुरुआत अंदर हो गई है, आवाजें आना शुरू हो गई है। देखिए अब जो बाहर का जो प्रोसेस है मलिका, बाहर का जो प्रोसेस है, मैं जाऊंगी कि जरा इस जेसीबी को दिखा जाए, बीएमसी की टीम जिसके पास ये पूरी जिम्मेदारी है, वो पहुंच चुकी है अंदर, और अब जो ये मशीन आप देख रहे हैं, इसी से इसको ढहाने की कोशिश, बहुत 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 मिनटें कम बची हुई है, बहुत मिनटें कम बची हुई है, जब इस पूरे बिल्डिंग को जिसको हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा मलिका। सारी चीजें देखिए, ये दिखाइएगा, ये सारे इक्विपमेंट है मलिका, जिनके ही जरिए इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की तैयारी हो गई है। देखिए हमें रोका जा रहा है, कोशिश ये है हमारी कि हम सबसे पहले तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, और हम वही कर रहे हैं जी, इसको और जानकारी दे दी गई है, पुलिस का और दस्ता यहाँ पर पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी कार्रवाई मलिका, ये बहुत बड़ी कार्रवाई, सुबह से ये इंतजार था कि जी बिल्कुल लक्ष्मी, 7 दिन का वक्त मांगा गया है कंगना की ओर से, क्या वो वक्त बीएमसी उनको देगी या फिर नहीं देगी। बीएमसी की तरफ से जो दूसरा नोटिस लगाया गया उसके बाद, ये मानिए कि 5 मिनट भी नहीं दिए गए, 5 मिनट भी नहीं
एसीबी मशीन पहुंच गई है, 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पर तमाम बीएमसी की जो टीम थी वो पहुंच गई है, और उसके बाद कोई किसी भी तरीके की रियायत से मना कर दिया गया है। साफ तौर पर बीएमसी ये ठान लिया है कि इस पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैं कहूंगी एक बार फिर से दिखाएं, इस पूरे घर को घेर मतलब पूरी तरीके से पुलिस के अंडर कस्टडी कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मलिका। तस्वीरें आप देखिए, ये जो कर्मचारी हैं बीएमसी के वो अंदर जा चुके हैं, पुलिस बाहर है, अंदर की जो चीजें हैं उनको पहले तोड़ा जा रहा है और उसके बाद बाहर का जो पूरा ढांचा है, जो बाहर की जो दीवारें हैं, जो बाहर का पोर्शन है वो उसको जो है इस मशीन के जरिए तोड़ा जाएगा। ये देखिए, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी आपको, मैं कहूंगी कैमरा पर्सन से जरा आइएगा, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी मैं आपको मलिका, बहुत जरूरी है। लक्ष्मी, इस बीच कंगना रनावत का भी एक स्टेटमेंट आया है कि ये दफ्तर मेरे लिए राम मंदिर है, ये सिर्फ दफ्तर मेरे लिए कोई इमारत नहीं है, मंदिर के समान है। एक तरफ कंगना रनावत देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर है, मुंबई के लिए वहां से रवाना होने वाली है, और दूसरी तरफ मुंबई में बीएमसी की कार्रवाई चल रही है, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर बीएमसी की टीम पहुंची हुई है। लक्ष्मी, कंगना का कहना है कि मेरा घर, मेरा दफ्तर सिर्फ इमारत नहीं है, मेरे लिए मंदिर के समान है। देखिए देखिए मलिका, लक्ष्मी आप मुझे सुन पा रही हैं? कंगना पहले ही कह चुकी जी जी, मरकड़का का ये ऑफिस, ये मरका बिल्कुल, ये मरकड़का का जो ऑफिस है ये उनके लिए ऑफिस नहीं था। उन्होंने कहा था कि ये मेरा एक सपना है, ये देखिए ये वही उनका सपना है, ये वही सपना जो उन्होंने कहा कि 15 साल की मेहनत से ये सपना साकार हो पाया था। अब 15 सेकंड के अंदर किस तरीके से इसमें पूरी तरीके से कार्रवाई बीएमसी ने शुरू कर दी है ये आप देखिए। ये माना ये जा रहा था, जब सेकंड वो लगाया गया पोस्टर, नोटिस लगाया गया, तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर 24 घंटे का और अल्टीमेटम दिया जाए, क्योंकि आपने भी देखा होगा यहाँ प्लीज था कि थी नहीं कंगना इस वक्त यहाँ पे थी नहीं, हिमाचल में थी, तो ये माना जा रहा था कि उनको आने तक का वक्त दिया जाएगा और ये कहा जाएगा जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे नोटिस दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि 7 दिन का मुझे वक्त दिया जाए। लेकिन बीएमसी की तरफ से साफ तौर पर जो सेकंड नोटिस जो हमने आपको दिखाया, जो अभी 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 लगाया गया था, जैसे ये सामान पहुंचा है उससे मुश्किल से 10 मिनट पहले लगाया गया था, उसमें ये कहा गया कि जो आपको नोटिस दिया गया उसमें आपने कोई रिप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब साफ है कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे आप ये साबित कर पाए कि जो नोटिस आपको दिया गया है वो गलत है और आप अपनी जगह सही हैं। और इस लगा है के अंदर ही मलिका, ये पूरा मोमेंट आप देख रहे हैं इस वक्त, आपको थोड़ी जो हलचल कम नजर इसलिए आ रही है क्योंकि इस पूरे घर के अंदर, इसके अंदर जो दफ्तर भी मैं कहूंगी, दफ्तर के अंदर इस वक्त बीएमसी की टीम मौजूद है और वो यहाँ पर अंदर के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, अंदर अंदर इसको तोड़ा जा रहा है। जैसे ही अंदर का पूरा ढांचा तोड़ दिया जाएगा उसके बाद जो मैंने जैसी भी आपको दिखाई, जो मैंने बिल्डोजर आपको दिखाया, इसी बिल्डोजर के जरिए मलिका इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। इस बिल्डिंग को जरा गौर से दिखाइएगा प्रमोद, मैं कहूंगी यही वो बिल्डिंग है मलिका जी, यही वो बिल्डिंग है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है ये तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना, जो कि पुलिस ने पूरी तरीके से घेर के रखा है। तस्वीरें जरा दिखाइए, तो मीडिया को भी वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है, मुश्किल हो रहा है यहाँ से करना। बिल्कुल 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 मलिका, देखिए आपने देखा होगा मेरे पीछे तमाम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की कि यहाँ से एंट्री नहीं है, यहाँ से आप फुटेज नहीं, अभी भी देखिए आप देख रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी पूरी कोशिश यही है कि सबसे पहले तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर हम दिखाए, सुबह रहे हैं सबसे पहले की तस्वीरें हमने दिखाई जब यहाँ कोई हलचल नहीं थी, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं था, उस वक्त यहाँ हिंदुस्तान की टीम पहुंची थी और सबसे पहले हमने वो जो नोटिस था जो कल दिया गया था वो मैंने आपको दिखाया, कैसे वहां ताला लगा हुआ था वो मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद पल पल की जो अपडेट यहाँ रही, सबसे पहले 2 गाड़ी पहुंची थी यहाँ पर पुलिस की मलिका। हमने उनसे पूछा कि क्या ये हम माना जाए कि थोड़ी देर में क्या बीएमसी की टीम पहुंचेगी, उन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ रूटीन चेकअप के लिए पहुंचते हैं और इसीलिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हमने मूवमेंट को देखा तो जाहिर है कि वो चीजें सारी स्पष्ट हो गई और ये कंफर्म हो गया कि ये बीएमसी की तरफ से ही पूरी कार्रवाई जो की जानी चाहिए थी उसको लेकर बड़ी तैयारी थी। और लक्ष्मी, हो सकता है कि ये प्री प्लान्ड भी हो, क्योंकि कंगना रनावत ने अपने मलिका देखिएगा ड्राइवर अपनी सीट पर है इस वक्त, ड्राइवर अपनी सीट पर है और अब इसकी तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहले आप देखिएगा ड्राइवर जिससे इसको डहाना है
वही है ये बुलडोजर, और इसी के जरिए इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा, जिसको हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर नोटिस दिया गया, जिसमें मोस्टली जो मैं पॉइंट आपको बताऊं, 14 पॉइंट ऐसे थे जिनको यहां पर मार्क किया गया था बीएमसी की तरफ से, और ये कहा गया था कि इन बिंदुओं पर आपको जवाब देना होगा। अब देखिए बड़ा सवाल ये है, जो अब तक हमने सुबह से लेकर यहाँ तक जिन लोगों से बात की मलिका, सबका यही कहना था, अंदेशा सबको हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से एक आक्रामक कार्रवाई की जा रही है, एक आक्रामक तरीके से, क्योंकि वक्त भी नहीं दिया गया, ये एक बड़ा पहलू है। तो इस आक्रामक कार्रवाई में ये माना जा रहा था कि जो अंदेशा था कि हाँ बीएमसी जिस रवैये से कार्रवाई कर रही है और इस उद्देश्य के साथ कार्रवाई कर रही और लक्ष्मी कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। अभी तक मुंबई कंगना पहुंची भी नहीं है, वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हो रही है मुंबई के लिए, और पीछे से देखिए ये सब बीएमसी कर रही है, तो मतलब अपनी बात को बेबाकी से रखने का ये सिला मिल रहा है उन्हें। मैंने यही कहा मलिका, मैंने यही कहा आपको कि उन्होंने वक्त मांगा था, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे देर हो रही है, कोरोना की रिपोर्ट भी उनकी दोबारा हुई, बावजूद इसके उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको सारी चीजों को फाइंड आउट करना है, मुझे अगर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो 24 घंटे में संभव नहीं है, आप कोशिश करिए कि मुझे इस पूरे मामले में उनके वकील की तरफ से 24 घंटे भी जाने के बाद मलिका 7 मिनट भी देना बहुत मुश्किल रहा है बीएमसी को, 7 मिनट देना भी मुश्किल रहा है। उससे पहले ही यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया था, सेकंड नोटिस यहाँ लगा दिया गया था, और उसके बाद ये साफ कर दिया गया था कि विद इन 5 मिनट्स यहाँ पर इस पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं कहूंगी आपसे कि उन तस्वीरों को मैं अपने सहयोगी से कहूंगी, वो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए आवाज अंदर से आने लगी मलिका, ध्वस्त होने लगी है बिल्डिंग, तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो बिल्डिंग है जहाँ से आप सुन पा रही होंगी आवाजें बहुत तेज अंदर से, जो इक्विपमेंट के जरिए इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है मलिका। अंदर से बाहर से आपको बेशक ये लग रहा हो कि अभी यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन देखिए तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, भी जब तक कंगना पहुंचे नहीं तब तक ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त होती हुई उनको नजर आएगी। तस्वीरें देखिए आप आवाज सुन पा रही होंगी, जी तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, ये वही बिल्डिंग है जिसको जिसको नोटिस दिया गया था, कंगना के पहुंच गई है और यहाँ पर वो कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देखिए एक और वहां पर कार्रवाई चल रही है, दूसरी ओर में लगातार आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही ग्राउंड फ्लोर जैसे ही अंदर से ध्वस्त होगा, यही वो बिल्डोजर जिसके ड्राइवर ने कमान संभाल ली है, यही वो बिल्डोजर होगा जिसके जरिए इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब सवाल ये है मलिका, सबसे 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 बड़ी बात ये है मलिका, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है मलिका कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि कंगना रनौत को 24 घंटे के बाद 24 मिनट नहीं दिए गए। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसा इसमें क्या ऐसा था बिल्डिंग में कि 24 मिनट कंगना रनौत को एक्स्ट्रा नहीं दिए गए, क्या ये दर्शाता नहीं है, क्योंकि मैं जब ऑफ कैमरे यहाँ लोगों से बात कर रही थी तो आप समझिए मलिका, जब मैं बात कर रही थी तो ये कहा गया था कि देखिए ये पूरा मुंबई समझ रहा है, पूरा एरिया समझ रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद तक नहीं है उसकी अनुपस्थिति में आप 5 मिनट के लिए नोटिस जलाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे कर्मचारी हैं बीएमसी के, ये देखिए इधर के सबसे पहले तस्वीर दिखा रही हूँ, यही वो इक्विपमेंट है जो यहाँ से जाना है, और इसके जरिए मलिका ये समझिए कि ये जो दीवारें हैं जहाँ पर उन्होंने पूरा डेकोरेट कराया हुआ था, सारी दीवारों को ध्वस्त किया जा रहा है, उन सारी दीवारों को ध्वस्त किया जा रहा है। हमने कोशिश की अंदर जाने की मलिका, लेकिन बहुत मुश्किल था। ये देखिए ये वो इक्विपमेंट है, ये जिसके जरिए पूरी दीवार को, ये ड्रिल मशीन जो बड़ी वाली होती है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए सर प्लीज यही से बहुत मुश्किल हो रहा है, ये देखिए यही वो ड्रिल मशीन है जिसके जरिए उन दीवारों को होल किया जाएगा, और उसके बाद ये देखिए ये बीएमसी के वो कर्मचारी हैं जो सामान लेकर यहाँ से पहुंच रहे हैं मलिका। बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे पहले तस्वीर हमारे पास, और ये देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ लगातार, ये जो बिल्डिंग आप देख रही है बाहर से अभी इसमें कोई हलचल नहीं की गई है, बाहर से कोई हलचल नहीं की गई है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को जब पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा तब बाहर से बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके बाद सेकंड का काम होगा। देखिए पुलिस की एक और गाड़ी पहुंची है, प्रमोद दिखाइएगा जरा, एक और गाड़ी पुलिस की पहुंची हुई है, चूंकि हलचल बहुत तेज हो गई है। ये माना जा रहा है कि कंगना जैसे ही मुंबई पहुंचती है सबसे पहले मूवमेंट जो उनका होगा, ये देखिए पुलिस का काफिला। लक्ष्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बदले की कार्रवाई लग रही है, और कंगना ने जो बात कही थी कि वक्त आ गया है कि मेरा सपना
टूटने वाला है, शायद वो बात उनकी सच हुई। लक्ष्मी दोबारा आपके पास आएंगे ताजा अपडेट्स और ताजा तस्वीरें देखने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया।